मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में जो हम एक्टिविटी करेंगे वो ट्राई कलर पर बेस्ड है। जैसे कि हमने ये ट्राई कलर लिए हैं, सबसे पहले इसे हम यहाँ से जैसे 3 सेंटीमीटर में निशान लगा लेंगे। ये देखिए, और इसे यहाँ से कट कर लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, मैंने जैसे कि ग्रीन शीट कट करी है, आपको सेम इसी तरह से वाइट एंड ऑरेंज शीट भी कट करके रखें। अब इस शीट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हल्का फोल्ड करने के बाद इसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे हमने फुल शीट पर अप्लाई करना है। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे फुल पेपर। इसे फोल्ड करने के साथ साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए, फुल शीट को हमने किस तरह से फोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हमने ग्रीन शीट को फोल्ड किया है, जो हमने व्हाइट एंड ऑरेंज शीट कट करी है, ये देखिए इस तरह से, इसे भी हम सेम फोल्ड करके रख लेंगे। फोल्ड करने के बाद अभी हमें इसे पेस्ट करना है एक दूसरे के साथ। पेस्ट करने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो। एक दूसरे के साथ चिपका दिया। ये चिपकाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे, जब तक हमें 2 आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। जैसे हमने 2 आइसक्रीम स्टिक्स लिए, इनको हम वाइट कर लेते हैं। देखिए, दोनों आइसक्रीम स्टिक्स को हमने वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद जो हमने ये पेस्ट किया है, देखिए इसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और जो हमारा ये जो सेम साइज है, इसकी हमने एक वाइट कलर के लंबे से स्ट्रिप कट करेंगे इस तरह से। स्ट्रिप कट करने के बाद इसे हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। फिर ये जो हमने कट किया है, इसको हम ऐसे कॉर्नर से पेस्ट करेंगे। ये देखिए, हमने एक कॉर्नर पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद सेम स्ट्रिप को हम इस तरह से, देखिए यहाँ से भी दूसरे पोर्शन पर यहाँ से पेस्ट करेंगे। और थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। देखिए, इसे इस तरह से पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा शीट है, उसको कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया है। इसके बाद दोनों पोर्शन में जो हमने आइसक्रीम स्टिक में वाइट कलर लगाया था, इसे हम पेस्ट कर लेंगे। आइसक्रीम स्टिक को इसके साथ स्टिक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ट्राई कलर हमने पैन कितना इजीली आप बना सकते हैं अपने घर में। बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करेंगे, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।